मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट. सो स्टार्टिंग विद द थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनिशियली इट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट. तो देखिए, जब हम वेक्टर समझ चुके, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी समझ चुके, जिसमें हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम मालूम है, स्ट्रेट लाइन मालूम है, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला हम कर चुके हैं, राइट. और उसमें लोकस का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ चुके हैं. उसके बाद इवन हम वेक्टर कंप्लीट कर चुके हैं. वेक्टर वी नो कि वेक्टर में कैसे डायरेक्शन होती है, एंगल होती है, दूसरी चीजें होती हैं. सो नाउ थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी इजी. नाउ वी आर इन थ्री डी, राइट. सो जब हम थ्री डी में आते हैं, जब टू डी में थे तो ठीक है, एक प्लेन पे चलते थे. नाउ वी आर इन स्पेस, गोइंग इन टू द स्पेस. So the z-axis involves, z-axis introduces here, right? तो वो आ जाती है existence में. और उसके बाद में सारी चीजें बहुत ही आसान है, 3D coordinate geometry. तो मैं उसको बहुत ही fast भी लेने वाला हूँ, ठीक है ना, बहुत speedily मैं उनको workout कर दूंगा और हम main questions पे जल्दी आ जाएंगे, right? So देखिए, initially जो होता है, this is known as the कोऑर्डिनेट एक्सिस. देर आर द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट. तो अगर इनको ज्वाइन करें, बॉक्स टू बॉक्स को ज्वाइन कर दें, तो ये जो बॉक्स मिलेगा, फर्स्ट वाला बॉक्स होता है. सो दैट बॉक्स इज अ वन ऑफ द ऑक्टेंट. सो देर आर द एट ऑक्टेंट्स इन टू द थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम. इफ यू टेक दिस एज अ एक्स एक्सिस, अगर इसको एक्स एक्सिस लेते हो, इसको आप वाई एक्सिस लेते हो, सेकेंड वन वाई एक्सिस, एंड दिस इज द जेड एक्सिस, राइट. So these are the three axes, you know easily, right? So वो सब आपको पता ही है, origin आपको मालूम है. अगर यहाँ कोई point P है तो उसके coordinate x, y, z होंगे, right? Again important point कि जो तीनों axes है वो anti-clockwise direction में लेना होता है. कुछ books ऐसे करती हैं कि x axis को यहाँ रखती है, y axis को इधर रखती है और z axis को यहाँ रखती है, तो वो ये भी किया जा सकता है. और मैं पूरी थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस को इधर रखने वाला हूँ, वाई एक्सिस इधर रहेगा, जेड एक्सिस इधर रहेगा, राइट. सम बुक्स राइट लाइक दिस, वो भी सही है. एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आप किधर भी ले सकते हैं. एक्स अगर ये है तो वाई इधर होगा, वाई इधर है तो जेड इधर होगा, इस तरह से ये चलता है, ठीक है. सो व्हाट इज देयर, देयर आर थ्री प्लेन्स नाउ जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इन्वॉल्व कर रहा है. जो बोर्ड पर प्लेन है, दिस प्लेन इज नोन एज एक्स वाई प्लेन, राइट. द सेकेंड वन वाई एंड जेड एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस को इन्वॉल्व कर रहा है. दिस इज नॉट अ बोर्ड्स प्लेन, राइट. दिस इज कमिंग आउटसाइड, दिस इज बोर्ड्स प्लेन. वाई जेड प्लेन जो होगा, विच इज द सेम प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, इस बोर्ड पे जो प्लेन है उस प्लेन का नाम है वाई जेड प्लेन, ठीक है. इसके बाद में आ जाएगा जेड एक्स प्लेन. तो जो इस तरफ की जो वॉल है, इस तरफ की that particular valve is known as the ZX plane, right? So these are the three planes. अगर point यहाँ पे है तो ये x distance इधर चला होगा, फिर यहाँ से इधर y along the y axis, y distance along the z axis, z distance. So anybody can reach at the point P. X, Y, Z is the coordinate there, right? वहाँ coordinates हो जाएंगे. ये बातें हुई. अब देखिए, तीनों जो planes हैं, इनकी equations भी हैं. प्लेन की इक्वेशन हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं. जो एक्स वाई प्लेन है उस पर एक्चुअल में होता क्या है कि जो एक्स वाई प्लेन है, जिस प्लेन पे मैं खड़ा हूँ, राइट, दिस इज नोन एज द एक्स वाई प्लेन, राइट. सो इस प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा. तो अगर आप इसका इक्वेशन लिखना चाहें तो उसको इक्वेशन को आप लिखने के लिए लिखेंगे जेड इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन ये हो जाएगी. वाई जेड है तो वाई जेड में एक्स जीरो रहेगा. So x equals to 0 is the equation of this plane. ZX plane है तो यहाँ पे y equal to 0 रहेगा. So this is the ZX plane, right? ZX plane पे y coordinate travel नहीं किया इधर. So that particular equation of the plane is known as the y equals to 0. तो ये information है. 8 octants होते हैं. Total 8 octants. One of the octant. So there are 4 rooms. यहाँ पे एक room outside आ गया, एक पीछे आएगा, एक इसके साइड में और एक एक पीछे और साइड में. सो द फोर रूम्स आर एट द अबव साइड एंड फोर डाउन साइड. सो टोटल 8 ऑक्टेंट्स. कोई भी जो पॉइंट है
वो स्पेस में किसी आउट ऑफ द एट ऑक्टेंट्स वो स्पेस लेता है, ठीक है ना, वो पॉइंट कहीं भी किसी भी एट ऑक्टेंट्स में जाएगा। तो एट ऑक्टेंट्स होते हैं और थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, वो आपको पता ही है। नाउ देयर इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला, वेरी इजी, राइट। इफ द पॉइंट ए एंड बी इज गिवन, एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू जेड टू आर द कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो हम जो डिस्टेंस लिखेंगे ए बी, दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस दिस इज जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन ये फॉर्मूला यूज करना है, तो आप डिस्टेंस लिखोगे तो ओ पी लिख दोगे एंड दैट डिस्टेंस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। सो कॉर्डिनेट सिस्टम में बस यही है, एट ऑक्टेंट्स है और कॉर्डिनेट एक्सिस, थ्री कॉर्डिनेट एक्सिस आर देयर, एक्स एक्सिस वाई एंड जेड एक्सिस, एंटी क्लॉक वाइज रखने का है, राइट, तीनों को, और इस तरह से सारी बातें आ गई है। ये तो बेसिक चीजें हैं, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हुई। इसके बाद हम लेने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, वो भी आपको अच्छी तरह पता है एंड खाली आपको जेड एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट दिखाना और बाकी सारी चीजें बहुत ईजी है, आसान है। देखिए सेक्शन फॉर्मूला ये मैं बहुत ही फास्ट आपको लिख रहा हूं बिकॉज आई नो दैट यू नो ऑल दीज थिंग्स, राइट। सेक्शन फॉर्मूला ये है, इफ पॉइंट ए इज देयर ऑन द लाइन दैट इज द एक्स वन वाई वन जेड वन कोऑर्डिनेट, ऑन द पॉइंट बी द कोऑर्डिनेट इज एक्स टू वाई टू जेड टू, राइट। नाउ पॉइंट सी विच डिवाइड्स इट इन टू द एम इज टू एन रेशो, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सी, सी के कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, सिमिलरली दैट इज द एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन एंड एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंटरनल डिविजन, राइट। इफ सी पॉइंट डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ ए बी इंटरनली, इंटरनली डिवाइड करेगा तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो यहाँ पे दोनों में माइनस साइन लग जाएगा और ये माइनस वाला काम करेगा। सो पॉजिटिव साइन लेना है फॉर फॉर द इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, राइट, एंड नेगेटिव साइन लेना है फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। इन सब बातों को हम बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है और इंटरनल डिवीजन क्या होता है, तो उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। सो नेगेटिव इज फॉर द एक्सटर्नल डिवीजन। समटाइम्स ऑल द पॉइंट्स आर गिवन, सपोज कोऑर्डिनेट ए के भी गिवन होते हैं, बी के भी गिवन होते हैं और सी के भी गिवन होते हैं, कोऑर्डिनेट सी भी दिया होता है और फिर वो पूछता है कि इन व्हाट रेशियो द कोऑर्डिनेट द सी पॉइंट डिवाइड द जॉइनिंग ऑफ ए एंड बी। सो इस तरह का अगर लैंग्वेज यूज करे तो रेशियो जो है नॉर्मली लैम्डा इज टू वन लिया जाता है, राइट। नाउ इफ पॉइंट सी गिवन, दिस पॉइंट इज ऑल्सो गिवन, डिवाइड्स जॉइनिंग ऑफ ए एंड बी इज देयर देन रेशियो, तो जो रेशियो आपको लेट करना है वो ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है एक्स वन वाई वन जेड वन गिवन होंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होंगे और सी पॉइंट भी गिवन होगा, दिस इज ऑल्सो गिवन, एक्स वाई जेड ये भी गिवन है, ऑल आर गिवन, एंड वट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रेशियो, इन वट रेशियो द पॉइंट सी डिवाइड द जॉइनिंग ऑफ ए बी, इन दैट केस लेमडा इज टू वन रेशियो लेना होता है और खाली लेमडा की वैल्यू निकालनी होती है। लेमडा की वैल्यू सपोज 3/5 आ गई, राइट। सो रेशियो, बिकॉज अगर आपको ये वैल्यू लेमडा की 3/5 आ गई है, क्योंकि रेशियो आप लिख रहे हैं तो लेमडा इज टू वन लिखेंगे एंड दैट रेशियो बिकम्स 3:5, इस तरह से वो रेशियो बन जाएगा। और यहीं पे अगर रेशियो की वैल्यू नेगेटिव आई, लेमडा की वैल्यू नेगेटिव आई, तो आप बोलोगे कि वो एक्सटर्नली डिवाइड करा। नाउ इफ इट इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लेमडा, इट मीन्स द सी पॉइंट, दिस पर्टिकुलर सी पॉइंट इज डिवाइडिंग जॉइनिंग ऑफ ए बी इंटरनली, इंटरनली डिवाइड करा, पता ही है सारी बातें, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं हम सेक्शन फॉर्मूले के बाद।
नेक्स्ट देखिए जो सेक्शन फॉर्मूला हम सब समझ रहे थे उसमें अगर एक प्लेन है प्लेन गिवन है इफ अ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इन द रेशियो देन पर्टिकुलर रेशियो इज डायरेक्टली यू कैन राइट बाय दिस फॉर्मूला दैट इज माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन डिवाइडेड बाय ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी. सो यहाँ पे भी डी आएगा. सो दिस इज डी एंड डिवाइडेड बाय डी बिकॉज इक्वेशन ऑफ प्लेन अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर प्लेन की इक्वेशन होती है तो जनरल कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो. तो उस पर्टिकुलर प्लेन को अगर दो लाइन सेगमेंट कट करते हैं इस तरह की सिचुएशन हो कि दिस इज द प्लेन गिवन राइट. सो लेट्स से दिस इज द प्लेन एंड टू दिस प्लेन इफ द लाइन सेगमेंट इज कटिंग दिस इज द लाइन सेगमेंट एंड हुज कोऑर्डिनेट्स of the two points are x1, y1, z1 and the b points lay let's say x2, y2, z2. So, or plane ki equation hi hogi. This is the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0. So, abhi aap ye dhyan rakhein ki plane ki general equation hai aur usi pe hume work karna hai. Suppose plane ki equation given ho, to in what ratio? It is dividing the joining of ab. ab ko kisi d suppose karo p point pe agar ye cut karta hai yahan pe. So, we have to find out the ratio by which this particular plane cuts the joining of AB. तो वो निकालना है इसमें, ठीक है ना? तो ये पीछे वाला साइड है, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, और ये लाइन इसको कट करके जा रहा है. तो this is the given plane, right? तो देखिए वही हम काम करेंगे जो ratio let करते थे. ये ratio direct आप use करेंगे as a formula, और यहाँ पे ये जो ratio की value दो तरह से आ सकती है. सपोज रेशियो आपको पॉजिटिव मिले और रेशियो नेगेटिव मिले तो हम क्या समझेंगे, राइट? नाउ इफ रेशियो इज पॉजिटिव ओवरऑल दिस वैल्यू इज पॉजिटिव इट मींस प्लेन इज इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, राइट? पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी के बीच में है. सो इट इज डिवाइडिंग इंटरनली, दैट्स व्हाई द रेशियो इज पॉजिटिव. और इफ द रेशियो इज नेगेटिव द प्लेन टू पॉइंट्स आर वन साइड. सो यू विल राइट द इफ नेगेटिव कम्स टू पॉइंट्स आर एट वन साइड ऑफ प्लेन. तो ये वाली सिचुएशन ये है कि प्लेन आपका यहां रह जाएगा और दोनों पॉइंट्स इधर होंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों, बोथ पॉइंट्स विल बी वन साइड ऑफ द प्लेन. सो दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल डिवीजन, राइट? तो अब जैसे ये कि फॉर्मूला किस तरह से आया वो पर्टिकुलर फॉर्मूला हम देख लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं, इससे हमें सेक्शन फॉर्मूले का भी ठीक ठीक आइडिया आ जाएगा, राइट? सो लेट्स से दिस द एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू जेड टू, और इसको जिस पॉइंट में सी पी पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ जैसा पी पॉइंट लिया हमने, दिस वी हैव टेकन एज द पी पॉइंट, राइट? सो उसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे. लेट से दिस पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जनरल पॉइंट लिए और एक्स ले लेंगे, रेशियो आप लैम्डा इज टू वन ले लेंगे. लेट रेशियो बी द लैम्डा इज टू वन बाय विच दिस प्लेन इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट पी. पी पॉइंट पे लाइन सेगमेंट जो है उसको प्लेन को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट? सो द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स लैम्डा एक्स टू प्लस वन इंटू एक्स वन, एक्स वन लेमडा प्लस वन, एंड सिमिलरली द पूरे कोऑर्डिनेट्स एक साथ लिख देता हूं मैं, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, राइट? दिस इज लेमडा वाई टू प्लस वाई वन बाय लेमडा प्लस वन, लेमडा जेड टू प्लस जेड वन डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस वन, राइट? दिस इज द सम ऑफ रेशियोज लेमडा एंड वन. सो सम ऑफ रेशियो इज इन द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल थ्रीज. अब देखिए पॉइंट ये है कि ये जो प्लेन की इक्वेशन है ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा. ये जो कोऑर्डिनेट हमने निकाला ये पी पॉइंट, दिस पी पॉइंट इज लाइंग ऑन द प्लेन, पी इस पे प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा. वो पॉइंट इसमें प्लेस कर देंगे आप ए लैम्डा एक्स टू, मैं खाली इसका प्रूफ ले रहा हूं, प्लस बी वाई टू. सो दिस इज द लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस वन प्लस सी टाइम्स ऑफ लैम्डा जेड टू प्लस जेड वन डिवाइडेड बाय
lambda plus 1 plus d equal to 0. Now we have to find out the ratio, means lambda value. So lambda value niklegi, isko pure ko lambda plus 1 se multiply kar diya. So we can find out the a lambda x2 plus x1 plus b lambda y2 plus y1 plus c lambda z2 plus z1 plus d times of lambda plus 1 equals to 0, multiplying the whole value by the z plus 1, right? Aur pure mein lambda separate kar lete hain. To dekhiye lambda ka coefficient nikalenge to aapko milega ax2 plus by2 by2 plus cz2 cz2 plus d, right? D aur jo left out portion hai wo bachega plus ax1 ax1 plus by1, this is by1 plus cz1 plus d equal to 0. Ab dekhiye ratio nikalna hai, jis ratio ki baat kar rahe hain hum, lambda is to 1, lambda hi nikala hua hai, lambda is to 1 bolo ratio ya aap bolo khali ki lambda ki value hai, ye ek hi baat hai, ratio wahi to hua, lambda is to 1. To wo ratio, wo formulas ka jo use karte hain usi ka proof le rahe hain yahan pe, lambda ki value aa jayegi. Dekhiye ye wala portion udhar jayega aur ye fir usko divide karega. So ye, if it goes this side, it will be negative ax1 plus by1 plus cz1 plus d, and lambda ka jo coefficient hai the divide kar jayega, and this is ax2 plus by2 plus cz2 plus d, and this is the ratio. You can say lambda is to 1 or lambda value jo aa gayi wahi ratio hi aa gaya. ठीक है, so this is how this formula works. और अब इस पे बेस एक क्वेश्चन ले लेते हैं. देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे जिस पे कि दो पॉइंट्स को एक प्लेन जिस रेशियो में डिवाइड करता है, उसके लिए हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाय ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी, राइट? तो वही डायरेक्ट यूज होता है, उसको आप एज अ शॉर्टकट फार्मूला यूज करो. और अगर इस तरह का सेम क्वेश्चन आता है, रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द प्लेन, और डायरेक्टली प्लेन दे रखा हो, ठीक है, तो उसको आप रेशियो जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे इक्वल्स टू माइनस लगाएंगे और ए एक्स वन, तो ए एक्स वन तो ए वन है, सब में ए बी सी की वैल्यू वन है, तो फर्स्ट पॉइंट ये प्लेस कर देना. सो दिस इज द पॉइंट इज प्लेस्ड सिंपली ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, मीन्स जस्ट पुट द पॉइंट इन टू द प्लेन. तो इसमें एक्स की जगह टू आ जाएगा, वाई की जगह माइनस वन आएगा, प्लस जेड की जगह प्लस थ्री एंड माइनस फाइव एंड डिवाइडेड बाय दिस इज द माइनस वन प्लस टू प्लस वन माइनस फाइव, दिस इज द रेशियो, राइट? अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, देख लेंगे क्या है. सो दिस इज द फाइव माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय दिस इज द थ्री माइनस सिक्स, राइट? सो माइनस वन, सो पॉजिटिव वन ऊपर हो जाएगा एंड माइनस थ्री, सो वन बाय थ्री नेगेटिव आ रहा है. देयरफॉर जो रेशियो आप लिखोगे, रेशियो आंसर करोगे, वो लिखोगे वन इज टू थ्री एक्सटर्नली. देखिए अगर रेशियो वन इज टू थ्री आ गया विद नेगेटिव साइन, वो नेगेटिव तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी, ठीक है. सो दिस रेशियो इज नेगेटिव, इट मीन्स वन इज टू थ्री एक्सटर्नली. वन इज टू थ्री एक्सटर्नली बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सो इट इज वेरी फास्ट, यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला और उसमें पॉइंट रख के निकाल सकते हैं, ठीक है ना. इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं.